आ जाओ भी दोस्तों। आज यार मैं आपको लेके आया हूँ एक सरकारी स्कूल में, और जब गाड़ी पार्क कर रहे थे तो यहाँ पर नज़र पड़ी जिस पे लिखा हुआ रिजर्व पार्किंग नर्स। तो यहाँ पर आमतौर से स्कूलों में, प्राइमरी स्कूलों में या सब जगह नर्स होती है, ताकि कोई बच्चे को कोई दिक्कत हो जाए, कोई प्रॉब्लम हो जाए तो वो बच्चे की देखभाल करे। तो यार इस स्कूल का नाम है ग्लेनवुड हाइट्स प्राइमरी स्कूल है। केजी से लेकर और 5 तक के बच्चे पढ़ते हैं, और ये स्कूल की एंट्रेंस है, और यहीं से बच्चे स्कूल में जाते हैं और यहीं से बच्चे लाइन बना के निकलते हैं। और जब स्कूल के अंदर घुसोगे तो ये जो आपको सफ़ेद शीशे दिखाई दे रहे हैं, ये स्कूल का ऑफिस है। और मैं कोशिश करूँगा कि 15 मिनट के अंदर आपको प्राइमरी स्कूल के बारे में या शिक्षा के बारे में कुछ बता सकूँ। अमेरिका में 90% बच्चे जो हैं वो सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, और 10% जो हैं वो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं। और जब मैं सुविधाएं बताऊंगा जो स्कूल देता है बच्चों को, सरकारी स्कूल, तो आपको बहुत अजीब लगेगा, लेकिन उसका रीज़न है कि यहाँ पर हर एक व्यक्ति टैक्स देता है। सबको, कोई टैक्स से बच नहीं सकता है, चाहे कितना छोटा से छोटा कर्मचारी हो, बिल्कुल कुछ भी करता हो तो उसको टैक्स देना ही देना है। और वो जो टैक्स होता है वो सरकार के पास जाता है, और उस टैक्स से सरकार जो है वो आपके बच्चों को उच्चतम सुविधाएं उपलब्ध कराती है। हर एक बच्चे को घर से सरकारी स्कूल की बस लेके जाती है। घर से मतलब ये नहीं कि घर के दरवाजे पर खड़ी हो जाएगी, एक कोई जगह होती है जहाँ पर बस रुकती है आकर, और वहाँ बच्चे जाकर बैठते हैं। सब बच्चे जो हैं बस से जाते हैं और बस से वापस आते हैं। चलो फिर आपको दिखाते हैं प्राइमरी स्कूल का एरिया कैसा होता है। और ये कुत्ते की टट्टी उठाने का लॉ सब जगह होता है, हर जगह, क्योंकि पब्लिक की प्रॉपर्टी, कोई भी आ सकता है घूमने के लिए कुत्ते को लेकर अपने, लेकिन उसकी जो है टट्टी उठानी पड़ेगी आपको। तो आप लोग देखो, ये जो मेरे राइट साइड पे या सीधे हाथ पे जो बिल्डिंग दिख रही है, ये परमानेंट बिल्डिंग है, और 5 साल के बाद, कहीं कहीं पे 6 साल भी होती है एज, वहाँ पर तब स्कूल में जाना होता है। और 5 से 18 साल तक स्कूल जाना ही जाना है आपको, कोई बहाना नानुकर ये वो कुछ नहीं चलता, जाना ही जाना है स्कूल आपको हर हालत में। और जब स्कूल के पास पैसे की कमी होती है और बच्चे ज़्यादा हो जाते हैं, तो वो जो बाएं हाथ पे या लेफ्ट हैंड पे आपको सफ़ेद रंग की बिल्डिंग दिख रही है वो बनाते हैं, वो उसको बोलते हैं पोर्टेबल्स। लेकिन सुविधाएं सब होती हैं। ये सीधे हाथ पे जो अभी देख रहे हो आप सामने बिल्डिंग, ये है परमानेंट बिल्डिंग, और सब एयर कंडीशन होती है बिल्डिंग, जनता के पैसे से ही होता है वो सब कुछ। ऐसा नहीं कि सरकार को अपनी जेब से कुछ कर रही है, सब जनता का जो पैसा है, टैक्स का पैसा है, सब लोग टैक्स देते हैं, उसी टैक्स से गवर्नमेंट जो है आपको सुविधाएं प्रोवाइड कराती है। हर एक नागरिक को ये पता है कि 5 से 18 तक उसके बच्चे को स्कूल जाना ही जाना है, और इसकी अवहेलना करने पर जेल तक हो सकती है। उसमें कोई समझौता है ही नहीं कोई, और सब भेजते हैं इसीलिए। अगर स्कूल में बच्चे नहीं आ रहे हैं तो सरकार टीचरों की या स्कूल की एड या तनख्वाह नहीं रोकती है। ये नागरिकों का कर्तव्य है कि वो बच्चे को अपने स्कूल में भेजें। स्कूल उनको पढ़ाने के लिए, स्कूल उनको बटोर बटोर के लाने के लिए नहीं है। तो इसलिए क्या कहते हैं, सब डरते हैं कानून से, सब अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं। और 5वीं क्लास से लेकर, और सॉरी केजी से और 12th तक की सारी शिक्षा फ्री है, किताबें फ्री हैं, लैपटॉप कंप्यूटर फ्री है, गरीब हैं तो खाना फ्री है, इसलिए भेजना ही भेजना है, कोई समझौता नहीं है उसके अंदर। इसलिए सरकारों को चाहिए कि जनता के ऊपर कानून ठोके कि उनको अपने बच्चों को स्कूल पढ़ने भेजना ही भेजना है। टीचरों पे और स्कूल की जिम्मेदारी नहीं है कि वो बच्चों को पकड़ पकड़ के लाएं स्कूल में। तो अगर सीख सकते हो कुछ, सीखो इस बात से कि जनता के लिए कानून बनाओ ताकि वो जाने के नहीं, उनको अपने बच्चे को स्कूल भेजना है। सरकार उनको सब सुविधाएं उपलब्ध करा रही तो वो भेजें अपने स्कूल बच्चे पढ़ने के लिए। पिछले साल या लास्ट ईयर स्कूल में लगभग 750 बच्चे थे। तो ये जितना बड़ा तामझाम ग्राउंड, ये बिल्डिंग, ये सब देख रहे हो ना आप, ये 750 बच्चों के पढ़ने के लिए ये जगह है, और टैक्स के पैसे से ये सब कुछ आता है यहाँ पर। टैक्स के पैसे जब आते हैं तो सरकार ये सब सुविधाएं उपलब्ध कराती है। और एक अनुमान बता रहा हूँ मैं, उसके हिसाब से
कि अगर 100 सरकारी स्कूल हैं तो 25 प्राइवेट स्कूल हैं, और मैंने बताई दिया आपको प्राइवेट स्कूल में बच्चे मुश्किल से 10% जाते हैं पढ़ने के लिए। ऑन एन एवरेज सरकारी स्कूलों में 25 बच्चों के ऊपर एक टीचर होती है, और जो प्राइवेट स्कूल होते हैं वहाँ पर 19 बच्चों के ऊपर एक टीचर होती है। लेकिन यहाँ पर प्राइवेट स्कूल में बच्चे को पढ़ाना एक ख्वाब होता है, बिल्कुल सपने की तरह की बात होती है। और बहुत सी जगहों पर तो प्राइवेट स्कूल ऐसे कुकर मुत्ते की तरह उगे हुए हैं, लेकिन यहाँ पर प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना बहुत ही मुश्किल काम है, बहुत ही रईस, बहुत ही बेहतरीन कमाई करने वाले लोग जो हैं वही सोच सकते हैं, वरना सबके बच्चे पब्लिक स्कूल में पढ़ने या सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए जाते हैं। अब आप लोग देख लो कि जो जनता के पैसे से बना हुआ सब कुछ, 700-800 बच्चों के लिए पढ़ने के लिए या स्कूल जो है उसमें कितनी ज़मीन होती है और कितना क्या होता है, और हर महीने की आखिरी तारीख पे बच्चा आता है मेन्यू लेकर कैंटीन का कि किस किस दिन क्या खाना मिलेगा, और पेरेंट जो हैं या माँ बाप पैसा जमा करा देते हैं कैंटीन में, और फिर जब पैसे ख़त्म हो जाते हैं तो कैंटीन वाले कहते हैं भाई पैसे ख़त्म हो गए भेज दो आप, तो फिर वो दोबारा भेज देते हैं। तो यार देखो ये है इंजाम, एक कोशिश है बताने के लिए और सिखाने के लिए यार बहुत है जनता को और सरकारों को दोनों को, सही बता रहा हूँ मैं आपको, वक्त दो बस थोड़ा शायद कुछ परिवर्तन आए। यहाँ पर 8.5 महीने बारिश होती है, किसी दिन रेनी डे नहीं होता है, लेकिन हाँ कभी कभी इतनी ज़्यादा बर्फ़ पड़ जाती है जिसकी वजह से कि बसों का आना जाना मुश्किल होता है। तब हर घर पे फ़ोन आता है और हर एक पेरेंट का ईमेल और दो फ़ोन नंबर जो होते हैं वो स्कूल के पास होते हैं। अगर खुदा ना खास्ता किसी भी वजह से आपने बच्चे को स्कूल नहीं भेजा या बच्चा स्कूल नहीं गया तो तुरंत फ़ोन आता है स्कूल से कि तुम्हारा बच्चा स्कूल नहीं आया है। तो इसलिए सब लोग जो होते हैं अगर बच्चा स्कूल नहीं जा रहा किसी वजह से तो पहले से ही पहले स्कूल को फ़ोन करके बताते हैं कि आज हमारा बच्चा स्कूल नहीं आएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा क्राइम है बच्चे को स्कूल ना भेजना बगैर इन्फॉर्मेशन के। और एक और बड़ी मज़ेदार बात है कि जब आपका बच्चा थर्ड ग्रेड में या थर्ड क्लास में आता है तो उसको कंप्यूटर या लैपटॉप या टैबलेट जो भी कुछ कहो वो पकड़ा दी जाती है। थर्ड क्लास से बता रहा हूँ मैं, जब वो तीसरी क्लास में होता है तब उसके हाथ में वो टैबलेट या लैपटॉप पकड़ाया जाता है, और उसके बाद वो उस लैपटॉप पे ही पढ़ाई शुरू करता है अपनी। और अगर कोई बच्चा कमज़ोर होता है पढ़ाई करने में, वीक होता है, तो स्कूल जो है उस बच्चे को रोक लेता है और उसको अलग से पढ़ाता है, और फिर उसको बस छोड़ने जाती है घर पे। और ये देख लो झूले वो हैं जो बच्चों के होते हैं, यहाँ पर इस प्रकार के झूले होते हैं बच्चों के स्कूलों में, और लगभग हर जगह पर या पार्कों में आपको जब भी मैं दिखाऊंगा कभी आने वाले समय में तो झूले इसी प्रकार के होंगे। ये इस प्रकार के झूले होते हैं कि जिससे जब बच्चा इसमें झूले तो उसकी थोड़ी कसरत हो जाए, एक्सरसाइज हो जाए। तो यार मैं एक साइड से एंटर हुआ था स्कूल में, अब दूसरी साइड से बाहर निकल रहा हूँ, है ना। और अब आपको बताता हूँ एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि आप ये समझो कि जो प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूलों की जो फीस है उसका फ़र्क मैं आपको बता रहा हूँ कि प्राइवेट स्कूलों में जो अगर आप ज़रा से भी ढंग के स्कूल में पढ़ाना चाहते हो बच्चे को तो साल की लगभग 14 लाख रुपए फीस होगी आपकी। और अब मैं आपको एक रेंज बताता हूँ कि लगभग सस्ते मध्य प्राइवेट स्कूल और महंगे अच्छे प्राइवेट स्कूल में कितने रुपए से कितने रुपए तक आपको खर्च करना पड़ेगा। तो जो रेंज है वो आप ये सोचो कि 3,66,000 से लेकर 17 लाख रुपए तक एक साल की प्राइवेट स्कूल की फीस। तो आप अपने यहाँ के स्कूलों को ले के सोचते हो यार इतनी फीस इतनी फीस इतनी फीस, तो अंदाज़ लगा लो कि प्राइवेट स्कूलों की यहाँ पर फीस कितनी होती है। इसलिए जो आम आदमी, मैंने शुरू में बताया था कि 90% जो लोग हैं वो अपने बच्चों को जो है वो सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं, क्योंकि यार इतनी फीस कौन दे पाएगा, खुद सोचो आप। और ये जो फीस है ना वो KG से लेके 12वीं क्लास तक के लिए सेम है, KG में भी इतनी, पहली में भी इतनी, 10वीं में भी उतनी, और 8वीं में भी उतनी, 12वीं में भी उतनी, सोच लो आप। और यार देखो
सारी कहानी इतने छोटे से वीडियो में बताई नहीं जा सकती है ना। कभी आने वाले समय में और बताएंगे डिटेल में कहानी आप लोगों को। और एक और बात बताऊँ आपको कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ऑन एन एवरेज अमेरिका में जो एक बच्चे पे खर्चा करती है पढ़ाई के ऊपर 8 लाख रुपए सालाना जो सरकार खर्च करती है। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना। और यार प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करो। आपको ना जब लाइक करते हो आप लोग तो जो यूट्यूब का सिस्टम है वो मेरे वीडियो को सजेशन में भेजता है तो बहुत सारे लोग उसको और देखते हैं। तो चलो फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। और अगर पहले के 40 कंट्रियों में देखा जाए तो अमेरिका का नंबर 17वां है, क्योंकि जब फ्री में मिलती है एजुकेशन तो उसकी कदर नहीं होती है। और फिनलैंड जो है वो नंबर 1 है जहाँ तक मुझे मालूम है।